है ना? कौन सी है? ईगल है क्या? ईगल तो नहीं है। ईगल है, आवाज मत करना, देखो मैं इसकी फोटो लेता हूं। ओके ये हमको यहाँ पे पेरेग्रीन फाल्कन दिखा, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट बर्ड है जी। अब हम निकालने जा रहे हैं, ये है बाप लेंस 600 mm, इससे आएगी चिड़िया की आँख की फोटो। भाई साहब भाई देखो अपने गौरव भाई ने क्या निकाला, ये है कितना कितना एमएम का, 600 mm की एमएम की लेंस। गौरव भाई से आप वाइल्ड लाइफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, पूरा फोटोग्राफी के लिए पूरी नॉलेज है यहां बर्ड्स के बारे में, और ये इस्तेमाल करते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए। दरारे बिल्कुल जैसे डेजर्ट में होती ना, बड़ी बड़ी दरार। ये आ गया हम वाइट पार्ट के अंदर डेजर्ट के, ओ पूरा वाइट है देखो चारों तरफ। बैग में एक अद्भुत जोश दिख रहा है गौरव भाई के अंदर। अभी आपको दिखाऊंगा डीएसआर से वो किस तरीके से उनको एक बर्ड मिल गई पत्थर के ऊपर, काफ़ी शायद अनोखी बर्ड है, और वो पूरा रेंग रेंग के समझ लो 100 meters रेंग रेंग के गए उसके पास, बहुत काफ़ी पास पहुंच चुके हैं। 600 mm लेंस है उनके पास, तो काफ़ी वैसे भी अच्छे शॉट आ चुके होंगे, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं अभी भी बहुत पास जाने की। आपको मैं दूर से कहीं से दिखाता हूँ वो किस तरीके से खींच रहे हैं। गौरव भाई की बाइक, गौरव भाई ये रहे, और यहाँ कोई पंछी है जिसकी वो फोटो खींच रहे हैं। पंछी कहाँ है, वो रहा
वो देखिए राइट साइड में बर्ड है, लेफ्ट साइड पे हमारे कौरव भाई भाई खड़ी उनकी। वो चिड़िया उड़ चुकी है और भाई ने काफ़ी अच्छे शॉट लिए होंगे, दिखाते हैं आपको। ये शाकंभरी माता का मंदिर, ऊपर छतरी। ये शाकंभरी माता मंदिर और ये का बहुत महत्व है, आपको बताता हूँ। कहते हैं जो शाकंभरी देवी हैं वो पृथ्वीराज चौहान की कुल देवी हैं। तो जो ये मंदिर है और सांबर लेक की जो लेजेंड है वो ये कहती है कि जो शाकंभरी माता थी उन्होंने यहाँ का जो फॉरेस्ट रीजन था उसको कन्वर्ट कर दिया था। ये पहले कहते हैं सांबर लेक जो है वो फॉरेस्ट रीजन था पूरा, तो उसको कन्वर्ट कर दिया था एक जो जेवल्स होते हैं ना, मतलब हीरे, और उसके अंदर पूरा उसको पूरा कन्वर्ट कर दिया था। तो लोग वहाँ के यार डर गए क्योंकि उनका मतलब लाइफ कैसे चलेगी इस चीज़ से, जेवल से। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि इसको कन्वर्ट कर दिया सॉल्ट लेक में, जिस जो क्या कहते हैं अभी जो अभी प्रेजेंट में सांबर लेक है पूरी वाइट रंग की डेजर्ट है और यहाँ सॉल्ट प्रोड्यूस होता है यहाँ से। तो ये एक तरह का वरदान था इन लोगों के लिए क्योंकि ये यहीं से उनका प्रोडक्शन चलता है और यहीं से उनकी रोजी रोटी चलती है इस नमक से। तो शाकंभरी देवी माता थी, उन्हीं के लिए एक मंदिर बनाया सामने। तो ये सांबर लेक का जो रॉकी रीजन है, जो अरावली रेंजेस का रीजन है, वहाँ एक मंदिर बना हुआ है शाकंभरी देवी का। और अभी हमने नहाया नहीं है तो मंदिर दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन आपको बाहर से दिखा देते, ड्रोन शॉट्स आपको दिखाए। और ये है माता जी का मंदिर। चलते हैं हम लोग सांबर लेक, जो मेन सांबर लेक है। अभी जो हम कैंपिंग कर रहे थे वो उसका अलग रीजन था, जो मेन जो सांबर लेक है जहाँ सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वहाँ चलते हैं।